अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे घर में है सेलिब्रेशन, लाइक अ गेट टुगेदर बेसिकली, और ये है छोटू अरवान के लिए, जो मेरा नेफ्यू है उसके लिए। एंड आप पीछे देख सकते हो सारा डेकोरेशन है, और मैं बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, और ये सारी चीज़ें हमने कैसे बनाए, ये केक मैंने कैसे बनाया, एवरीथिंग डेकोरेशन और सारी डिटेल्स बताऊंगी। और हमारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग सा था बिकॉज़ बहुत टाइम बाद हम कुछ ऐसा कर रहे थे घर पे, तो वी वर वेरी एक्साइटेड। और इसकी प्रिपरेशंस हो रही थी बहुत टाइम से, जब मैं US में थी, और मैं बहुत सारी चीज़ें US से भी लेके आई थी, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, सो कीप वॉचिंग। तो जो डेकोरेशन मैं करना चाहती थी, जो सेटअप करना चाहती थी, उसके लिए इस तरीके के एक्रेलिक बॉक्सेस चाहिए थे, और मुझे नहीं मिले इंडिया में, बट अमेरिका से लाना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता, तो मैंने उसका अल्टरनेटिव ढूंढा, वो है ये थर्मोकॉल बॉक्सेस। और इसको हाइट, अलग अलग हाइट के लेने होते हैं, ताकि आपको ओवरऑल लुक दिखे इसका। और यहाँ पे मैं सब कुछ अरेंज कर रही थी हर एक थर्मोकॉल बॉक्स पे, और यहाँ पे जो खाना भी मैं अरेंज कर रही थी। सो बेसिकली हम लोग जितना भी यहाँ पे स्नैक्स लेके आए थे, वो स्वामी बेकरी से लाए थे, जो कैंप में है बेलगाम में। और अगर आपने देखा हो मेरा प्रीवियस वीडियो तो आपको पता चलेगा। तो स्नैक्स तो हम बाहर से लेके आए थे, और बाकी जो डेजर्ट्स आप देख रहे हो वो मैं यहाँ पे बनाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फाइनल टचअप कर रही हूँ मेरे डेजर्ट्स पे। और आप देख सकते हो हमारा थीम है अंडर द सी। और ये सारे जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये नैपकिन्स, प्लेट्स, और ये वाली प्लेट्स, ये सब मैं लेके आई हूँ अमेरिका से। और ये है खाने में, तो इसको बोलते हैं काटी रोल। ये है बर्गर्स, ये है चाट, ये है चिकन रोल, ये है छोटे से केक्स, ये है प्रेट्सल्स, फिर ये है जूस, और फिर है कुकीज़। कुकीज़ भी मैंने बनाए, सब कुछ मैंने बनाया है, नॉट द स्टार्टर्स। और ये है चीज़ केक शॉट्स, और ये है केक पॉप्स, और ये है कुकीज़ जो मैं अमेरिका से बना के लेके आई, आप देख सकते हो। सो अंडर द सी थीम पे ही बेस्ड है सब कुछ, सो एवरीथिंग इज़ ब्लू। और ये है ओवरऑल सेटअप। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, ये है रिटर्न गिफ्ट्स। सो ये सारे बॉक्सेस हैं रिटर्न गिफ्ट के, और इसमें भी कुकीज़ है और प्रेट्सल्स है। सो या दीज आर ऑल दैट। और उसके बाद है ये केक। सो ये केक भी मैंने बनाया पूरा फ्रॉम स्क्रैच, सामने से देखते हैं। सो यहाँ पे हैवी व्हिपिंग क्रीम से केक बनता है इंडिया में, सो ये वही है। मैं अमेरिका में यूजुअली बटर क्रीम से बनाती हूँ, बट यहाँ पे मैं हैवी व्हिपिंग क्रीम से बनाई बिकॉज यहाँ का टेस्ट वही है। सो दिस इज़ द केक। और ये पीछे का डेकोरेशन आप देख सकते हो, इट्स लुकिंग रियली गुड। और ये है टेबल। सो ये है फाइनल लुक, एंड एवरीथिंग लुक्स रियली गुड। And I will show you everything what happens in our small little get together next. बोल चावल, रिव्यूज दो मेरे YouTube के लिए। क्या खा रही है? चीज केक, प्रेट्सल्स। नाइस। केक पॉप्स। अच्छा? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Clap, 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 clap.
हैलोवीन केक हो? हाँ, दिस इज हैलोवीन केक. सो ये जो स्टैंड है मैं अलग से इस चीज़ के लिए बनाई थी बिकॉज द थीम वॉज अंडर द सी, तो मुझे ऑक्टोपस फिशेस ये सब कुछ बनाना था, बट ये थोड़ा डिफरेंट आइडिया लगा तो मैंने सोचा आई विल ट्राई दिस. स्टैंड तो अलग से बना के लेना पड़ता है, बट आप देख सकते हो कि कितने सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी. उसमें आधे से चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई भी नहीं, बट अब यहाँ पे हूँ मैं, केक काटूँगी और सारे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ. तो ये काम हमेशा मैं ही करती हूँ बिकॉज़ आई कट द पीसेस नाइसली ऑब्वियसली. अमेजिंग, आई लव इट. सो ये है नेक्स्ट डे और हम सब कुछ वाइंड अप कर रहे थे, सारे बलून्स फोड़ रहे थे क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं था. एंड दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.